दोस्तों एक बार फिर टूट जाएंगी अर्शी और अनिरुद्ध की शादी और अनिरुद्ध लेगा जनक के लिए बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों सीरियल झनक के अंदर सभी घर वाले पहुंच चुके हैं कश्मीर, जहां पर सभी घर वाले करवा रहे हैं मंदिर में अर्शी और अनिरुद्ध की शादी। और ये वही मंदिर है जहां पर पहले भी झनक और अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है। यहां पर अर्शी और अनिरुद्ध की शादी के अंदर झनक भी मौजूद है। और दोस्तों यहाँ पर अर्शी और अनिरुद्ध दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर जो है मंडप में शादी के लिए पहुँच जाते हैं। और वही दूर खड़े रहकर झनक जो है सब कुछ देख रही है। झनक जो है अपने जज्बात को मार रही है, वो शादी को रोकना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। पंडित जी जो है यहाँ पर शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो गौर से जो है अनिरुद्ध को देखते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने पहले भी अनिरुद्ध की शादी करवा दी है। दोस्तों ये वही पंडित जी होते हैं जो पहले भी झनक और अनिरुद्ध की शादी करवा चुके हैं और अब उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद पंडित जी जो है आगे की प्रक्रिया करने से मना कर देते हैं। जब सब लोग यहाँ पर पंडित जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर पहले भी मैं जो है अनिरुद्ध की शादी पहले ही करवा चुका हूँ। मैंने खुद जो है अपने हाथों से झनक और अनिरुद्ध की शादी करवाई थी और अब ये पाप मुझसे नहीं होगा और अब मैं तुम्हारी डबल शादी नहीं करवा सकता। जिसके बाद अनिरुद्ध जो है पंडित जी से कहता हुआ नजर आने वाला है कि पंडित जी यहाँ पर जब मैंने पिछली बार शादी की थी वो मैंने जनक की जान बचाने के लिए की थी, मैंने मजबूरी में वो शादी की थी। लेकिन पंडित जी यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनते और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और पंडित जी के वहाँ से जाने के बाद सब लोग जो है फिर से कसूरवार जनक को ही ठहराते हैं और सबके सब जनक के ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस सबकी वजह जो है जनक ही है, जनक की वजह से ही आज फिर से शादी टूटी है और इस लड़की की निगाह जो है अब भी अनिरुद्ध पर है। ये सुनने के बाद अनिरुद्ध फिर से जो है झनक की साइड लेता है और कहता है कि आप झनक के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले क्योंकि झनक मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है और मैंने उसकी जो है शादी भी फिक्स कर दी है और मैं अर्शी से प्यार करता हूँ और सब कुछ सही हो रहा है। आज जो भी हुआ है मेहरबानी करके आप उसका इल्जाम जो है झनक पर ना डाले। अनिरुद्ध के ये सब बोलने के बाद भी जो है घर वाले और अर्शी फिर भी जो है यहाँ पर वो जनक को ही कसूरवार ठहराते हैं और अर्शी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करती है जनक से। लेकिन दोस्तों फैंस के लिए यहाँ पर एक चीज तो बहुत अच्छी हुई कि इस समय जो है यहाँ पर फिर से अनिरुद्ध और अर्शी की शादी नहीं हो पाई। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है इस बारे में, आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।